लिखते दो करोड़ का गाड़ी से घूमते हैं ऐसा प्रधानमंत्री चौबीस में हम इनको बता देंगे कि युवा क्या शक्ति होता है अब इंजन चलने वाला नहीं इंजन सीज होने का टाइम हो चुका है युवा कमर कस के घर से निकल पड़े हैं ये धोखा मिला है वो दीदी बोल रहा है अब धोखा मिला तभी तो आज जंतर मंत्र में हजारों की संख्या में तब... देश के सभी बेरोजगार युवा अब बीजेपी सरकार से परेशान भी हो गए हैं ऐसे में उन्होंने कहा है कि 25 अगस्त 2022 को अगर युवाओं के हित में जो हाई कोर्ट से फैसला नहीं आता है तो दोबारा से आंदोलन करने की पूरी तैयारी है वहीं पर अगर बात करूं अग्निपथ स्कीम में जो मनमानी हो रही है कहीं पर जो है हाइट के इशू आ रहे हैं कहीं पर रनिंग के इशू आ रहे हैं तो कहीं पर मेडिकल के इशू भी आ रहे हैं इनको लेकर के युवा काफ़ी परेशान हैं बात करूँ तो जैसे कि उत्तराखंड में जो भर्ती हुई है उसमें युवाओं ने सरे आम आर्मी के अफसरों और आर्मी के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर जो है इस तरह से मनमानी हो रही है सेना की भर्ती में क्योंकि जब युवा अपनी सी पे उतर आते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते हैं लेकिन वह है कुछ देर के लिए अपनी सी पे उतरते हैं और कुछ देर बाद शांत हो जाते हैं काफ़ी सारे युवाओं के आरोप ये भी है कि हमारे ऑल डॉक्यूमेंट्स सही होने पर भी हमको अंदर नहीं लिया गया लेकिन इस पर कुछ बच्चों ने शिकायत भी डाली हैं चाहे वो जो है ज़िला प्रशासन की तरफ से हों या फिर आर्मी के अफसर से हों या फिर कर्मचारियों से रिलेटेड हों आर्मी भर्ती में जो दादलगिरी हो रही रक्षा मंत्रालय को पत्र लिख करके इसकी इन्फॉर्मेशन रक्षा मंत्री तक पहुंच चुकी है और रक्षा मंत्री ने अभी तक इस पर कोई अहम फैसला नहीं दिया वैसे भी रक्षा मंत्री ने अभी तक अग्निपथ स्कीम को लागू करने के बाद में कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है अगर अब बात करूं विपक्ष की तो विपक्ष के कुछ नेता इस पर जो है अपना विचार रखते हैं और संसदन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आंदोलन हो यहां पर विपक्ष के नेता ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं वरुण गांधी ने अभी अग्निपथ स्कीम को खराब बताते हुए कहा कि अग्निपथ स्कीम बंद होना चाहिए लेकिन राजनाथ सिंह अभी न उसको अच्छा बता रहे हैं न खराब बता रहे हैं क्योंकि वह है? बीजेपी में और फिर रक्षा मंत्री के पद पर अभी सेवारत है दोस्तों अभी 25 अगस्त को जो आर्मी एग्जाम एयरफोर्स ज्वाइनिंग और अग्निपथ स्कीम पर फैसला आने वाला है उसके बाद देखना होगा कि आगे युवा क्या करते हैं मानना ये भी है कि अग्निपथ स्कीम पर जो चर्चाएँ होगी तो अग्निपथ स्कीम को क्या बंद हो सकता है बिल्कुल बंद हो सकता है अगर युवा इससे संतुष्ट नहीं है अगर अपना आंदोलन जारी रखेंगे तो अग्निपथ स्कीम पर ब्रेक लग सकता है और युवाओं के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं रुकी हुई जॉइनिंग भी पेंडिंग में जो एग्ज़ामिनेशन रुके हुए हैं उन पर भी सुनवाई हो सकती है और उन उनुवाओं की किस्मत भी चमक सकती है जो सेना में जाना चाहते हैं इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही